अब क्या करें? कैसे पता है काका कप्पू के प्रॉब्लम क्या हुआ है? मास्टर मतलब बाद में घुसना, काका काकी आ गए, पहले उनका स्वागत कर। सही बात। या काका काकू, या अरे हाथ में आ, ये क्या है? नमस्कार कर दो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या है? तौलिया बनियान में सोसाइटी में घूम रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ तबीयत ठीक है काका। वो क्या है, थोड़ी सी मेरे और माजी के बीच में गलत फहमी हो गई थी। घर की सारी चाबियां घर के अंदर है और दरवाजा लॉक हो गया है। मतलब घर बंद है? चला घर जाओ। क्या अरे प्लीज काका काकू, आप लोग रुक जाइए, हम लोग दरवाजा तोड़ने जा रहे हैं। नहीं तोड़ा था दरवाजा। एक्सक्यूज मी, दरवाजा खुलेगा, जल्दी खुलेगा, तब तक आप काका काकू हमारे घर बैठिए। ये गुड आइडिया है। ये डॉक्टर आती है और ये उनकी पत्नी कोमल भाभी। हाँ। आप इनके घर में बैठिए, खाना तैयार ही है। हाँ। जैसे दरवाजा खुलता है मैं आपको बुला लूंगा। ये सही है, हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे ही रहते हैं। आइए आइए आइए, कोमल चाय बहुत अच्छी बनाती है, आइए चाय पीते हैं। टाइगर क्या करना है? ठीक है बैठ जाते हैं, तब तक तो दरवाजा भी खुल जाएगा है ना? बिल्कुल, खाना तैयार ही है ना। चाय बहुत बढ़िया बनाती है, आपका दिल खुश हो जाएगा। आती भाई मैं जैसे दरवाजा खुलता है फोन कर दूंगा आपको। आपने ऐसा क्यों कहा कि खाना तैयार है? अगर मैं सच बोलता ना माधवी तो काका चले जाते यहीं से। अभी खाने का क्या करेंगे? पिड़ू माधवी अभी वो खाने का बाद में सोचते हैं, चल के पहले दरवाजा तोड़ते हैं। चलो बराबर है भाई, दरवाजा तोड़ो। हाँ सोड़ी भाई चला। अरे काय चला सोड़ी, तुम बार बार दरवाजा तोड़ने की बात क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हें दरवाजा तोड़ने का इतना ही शौक है ना, तो मैं तुम्हारे बर्थडे पे ना एक दरवाजा गिफ्ट करता हूँ, फिर जितनी मर्जी चाहे तोड़ते रहना तुम, पर ये दरवाजा तोड़ने की बात मत करना। अरे तेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे दरवाजा तोड़ने का शौक है और मैं तो सुबह से तेरे और माधु भाभी के भले के बारे में सोच रहा हूँ। तो कब से तू तोली है और बनियान में बाहर खड़ा हुआ है, माधु भाभी खाना नहीं बना पा रही और अपना पप्पू वहां देख बालकनी में लटक गया, और तू मुझे कह रहा है कि मुझे दरवाजा तोड़ने का शौक है। अब तो मैं दरवाजा तोड़ूंगा ही नहीं। नहीं मास्टर, और कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। वो कहाँ है? अरे पोपट भाई आप तो ऐसे डर रहे जैसे कि बम फटने वाला है, जो भी होगा वो किचन में होगा ना। तो भाई तू भी ऊपर आजा ऊपर आजा। पांचवी सिटी भी बच गई। माधवी तुम चिंता मत करो, पांचवी सिटी में कुकर नहीं फटता। पोपटलाल ने बोला था ना, पोपटलाल तुमने के 8-10 सिटी तक कुकर को कुछ नहीं होता। अरे नहीं 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 भाई, मैंने ऐसे ही बोला था, मुझे कुकर के फटने के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। बस सोड़ी तू दरवाजा तोड़ दे। हाँ सोड़ी भाई प्लीज आप दरवाजा तोड़िए। बरो सॉरी माधवी भाभी नहीं। अरे आहो बोला ना तू भी। ठीक है सोड़ी तोड़ दे दरवाजा। चला चला नहीं पिड़ू, मैं दरवाजा नहीं तोड़ूंगा। सोड़ी गुस्सा थूक दे भाई, मैं नुकसान सह लूंगा, तू दरवाजा तोड़ दे। पिड़ू मैं दरवाजा नहीं तोड़ूंगा, तेरा नुकसान नहीं होने दूंगा। वो देख तेरा पापी जी आ रही है, उनके पास या उनकी माता जी के पास जरूर कोई आइडिया होगा। अरे हाँ 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 बिल्कुल। वाह वाह दया भाभी, टाइम घोड़ा पा गई, आ गई आप। ये भेड़े भाई आप यहाँ ऐसे, और पोपट भाई आपके बालकनी में छाता खोल के ऐसे क्यों खड़े हैं? दया भाभी मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे बचा लीजिए। हाँ 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 पोपट भाई हाँ, सब ठीक हो जाएगा। नहीं ना दया भाभी कुछ ठीक नहीं है, वो क्या हुआ? अरे देवा सकरमा कोड़ तो इधर ही पड़ा है, बिचारा नीचे भीग रहा होगा। माधवी मैं सकरमा पे कवर डाल के आता हूँ।
भाई इस हालत में लोग तुझे देखेंगे तो क्या बोलेंगे? इस हालत में चलो माधवी दरवाजा खोलो, मैं बाहर हूँ। मैं भी बाहर ही हूँ, आप पूजा कर रहे थे इसलिए आपको डिस्टर्ब कैसे कर दिए? और तुम घर में हो ये सोच के मैं चाबी लेकर नहीं गया था। इसका मतलब? मतलब ये कि हम दोनों बाहर हैं और चाबी घर में। तब से हम लोग सोच रहे हैं कि दरवाजा खोले कैसे। हेलो, मैंने कहा था ना मेरे पापा जी के पास जरूर कोई अच्छा आइडिया होगा। हाँ, बोलो बोलो। वो क्या है कि बचपन में मैं और संदर्वी ना छोटे थे ना तब बड़े मस्ती करते थे, तो माँ को दोपहर को कभी कभी सोने नहीं देते थे, तो माँ कंटाल के हमें घर के अंदर ही ताला मार के दूसरे रूम में सो जाती थी। पर माँ को ये पता नहीं था कि मैं और संदर्वी ना जासूसी वाली फिल्म भी देखते हैं, तो बालों में लगाने वाली पिन से कभी कभी हम लोग ताला खोल के बाहर खेलने के लिए चले जाते थे। तो उससे खुल जाएगा दरवाजा? वाह वाह दया बाबी, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे दरवाजे का खर्चा बचा दिया। पर भीड़े भाई, काफी समय से मुझे इसके कोई पैट्रिक्स नहीं है। अरे कोई बात नहीं बहू, तू कोशिश तो कर, अगर तुझसे नहीं खुला तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। भाई जो करना है जल्दी करो। फंस गया आज चाय के चक्कर में। आइए आइए देखो आइए, खोलिए खोलिए। यहाँ तो ताला है ही नहीं। नहीं वो लैच है ना, लैच वही वही लॉक है, इसी को खोलना है। कोशिश करती हूँ। दरवाजे का खर्चा भी बच जाएगा। मतलब दरवाजा नहीं खुला, ये लॉक खुलने की तैयारी में था पर पिन टूट गई। किस्मत ही फूट गई है आज। अरे नहीं नहीं माधुरी बेटा, ऐसे नहीं बोलते। ये कितनी सीटी होती? छठी सीटी बजी है। दो बजी है बिल्कुल। अरे जल्दी दरवाजा खोलो। थोड़ी भाई प्लीज, अभी आप दरवाजा तोड़ दीजिए। हाँ थोड़ी जल्दी दरवाजा तोड़ दे, वरना कुकर के साथ अंदर पता नहीं क्या क्या उड़ जाएगा। पिडू तोड़ दे भाई दरवाजा, सॉरी भी तोड़ना पड़ेगा। सॉरी भाई रुकिए। रुक 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 रुक, कोई आइडिया है? हाँ क्या आइडिया है? एक मिनट। हाँ बता। अब तोड़िए। सॉरी भाई। पिडू तोड़ भाई तोड़। सॉरी हाँ करना पड़ेगा जल्दी अभी। बाय। चलो भाई गुरुजी मेर करना। पुलिस तो निहाल। क्या कर रहे हो? तूने तो बोला प्यार से दरवाजा तोड़ दे, तो प्यार से दरवाजा तोड़ रहा हूँ। सॉरी बस जोर से तोड़ूंगा तभी तो दरवाजा टूटेगा यार। हाँ भाई तोड़ दे तोड़ दे तू दरवाजा। वाहगुरु जी कृपा बख्शिश करना। तोड़ दे भाई तोड़ दे। अरे पिडू ठीक है अभी जल्दी आ जल्दी आ। चलो बस आई
बाबा आप लोग क्या कर रहे हैं? सोनू तुम कॉलेज से जल्दी कैसे आ गई? वो लेक्चर्स कैंसिल हो गए, पर आप घर के बाहर इस हालत में? अरे सोनू दिखता बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, वो हुआ ही है भाभी, हम लोग उसको सब बाद में बताएंगे ना। सोनू थामस है ना। सोनी भाई आप दरवाजा तोड़िए। अरे हाँ ठीक है भाई। एक मिनट, पर सोडी अंकल दरवाजा क्यों तोड़ना है? सोनू घर की सारी चाबियां घर के अंदर है, गैस पे कुकर चढ़ाया हुआ है, 6 सीटियां ऑलरेडी हो चुकी है, कुकर कभी भी फट सकता है। हाँ सोनू पुत्र। लेकिन मेरे पास चाबी है। हाँ तुम्हारे पास चाबी कैसे आई? वो सुबह मैंने ड्रॉअर में देखा 3 चाबियां पड़ी थी तो मैंने एक ले ली। अरे अरे सातवीं सीटी बज गई, भिंडी मास्टर जल्दी चाबी ले और दरवाजा खोल। अरे माफ भी जल्दी से खोल। अरे ये चाबी अंदर जा नहीं रही है। मैं क्यों, वो बार बार दो ही मार दे रहा था। अरे हाँ पिन अंदर अटकी है ना, कैसे जाएगी? अरे ओ रे देवा। हमारी किस्मत ही आज खराब है। चाबी तो मिल गई लेकिन हमारी किस्मत की चाबी खो गई है। सोनी भाई। हाँ भाई सोनी, तोड़ दे दरवाजा, लगता है इसके नसीब में टूटना ही लिखा है। नहीं पीड़ू, इसकी किस्मत में टूटना नहीं लिखा है। पीड़ू मैं ये दरवाजा नहीं तोड़ूंगा, तेरा खर्चा भी बचेगा क्योंकि मेरे को एक बहुत जबरदस्त आइडिया आ गया। अभी क्या आइडिया मतलब कैसे करेगा तू? एक चाबी तो अंदर चली गई है तो फिर वो गया। अरे जल्दी दरवाजा खोलो। आ गया आइडिया, आ गया। ओ मेरे हाथ में मैग्नेट है, मैग्नेट मैग्नेट, वो इससे पिन फटाफट बाहर निकलेगी। चुंबक चुंबक अच्छा। आप सब लोग इधर ही रखो, मैं कुकर बंद करके आता हूँ। कुकर तो बंद ही है, गैस बंद करना है। पीड़ू इतनी बात है यार। थोड़ी जरा संभाल के। हाँ मानती नहीं है तू, वादिस का विचार कर दाम। सोड़ी की हो गया यार। सोड़ी सुड़ी तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। सुड़ी ठीक है? सुड़ी ठीक है। सोनी भाई, सोनी भाई आप ठीक हैं ना? सोनी अंकल आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना? हाँ नहीं, और वाहेगुरु जी की कृपा से एकदम ठीक हूँ जी। वाह 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 वाह, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सोनी तुझे कुछ नहीं हुआ। माधवी हम लोग कुकर दूसरा लेके आएंगे। वो कुकर नया जोड़ लेना, वो कुकर तो एकदम सही सलामत है। धमाके की आवाज कहाँ से आई? अभी फटा कुकर। अरे पिड़ो ये कुकर नहीं फटा। अब पिड़ो धमाके की आवाज क्योंकि बाल पटाके पटुके फूट रहे हैं। लेकिन सोनी भाई आपने गैस बंद किया ना? नहीं। क्यों? अरे गैस क्यों नहीं बंद किया? क्योंकि गैस पहले से ही बंद था। नहीं मैं खुद चालू करके गई थी, सीटियां नहीं कब बजी। अरे वो सीटियां भी बज रही थी। ओ पिड़ू जब मैं अंदर गया तो गैस पहले से ही बंद था, वो सिलेंडर जो खत्म हो गया था। बाल बाल बच गए, हम सब वाहेगुरु जी की कृपा से। शिव बस चलो अच्छा हुआ, माता जी की कृपा से कुकर फटने से बच गया। हाँ। बालकनी
आया आया बाबू आया, ठीक है ना तू? ठीक वेरी गुड, शाबाश। चलो अच्छा हुआ कि सब ठीक हो गया। हाँ। लेकिन भिंडी मास्टर आगे से ऐसा मत करना, घर से निकलते वक्त लाइट बंद करना, घर की चाबी लेना, गैस बंद करना, पानी का नल बंद करना, ये सब हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमें ही नुकसान हो सकता है। मैं तो हमेशा चेक करके जाता हूँ चाची जी। हाँ भाई, घर का दरवाजा खुला हो तभी लोगों को चाय पे बुलाया कर। हाँ भाई हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। और चाचा जी, हमें इस बार इतनी बड़ी सीख मिली है कि आइंदा माधवी घर पे भी होगी ना तो भी मैं घर से चाबी लेकर ही निकलूंगा। हाँ माधवी, याद से एक्स्ट्रा चाबी सोड़े को दे देना। दीजिए सोड़ी भाई, चाबी दी है। अब तू मांगेगा भी ना तो भी नहीं दूंगा। संभाल के रखूंगा यार। अहो, पर अभी गैस खत्म हो गया है, खाना कैसे बनाऊंगी? काका काकू को क्या खिलाएंगे? अरे हो, अरे काका आज आए हैं। ओ शरद काका है। बोला ना काय करायचं? नहीं रे बे, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी मेरे घर पे जाती हूँ और फटाफट खाना बना कर लाती हूँ। घर तो मेरा भी नजदीक है, एक काम करते हैं वहाँ चल के खाना बना लेते हैं। अरे नहीं नहीं, माधवी बेटी, अरे दरवाजा खुल गया। अभी अभी खुला है। अरे सोनू बेटा, कैसी हो? मस्त काका, तुम्हें कैसे हाल? हाँ हम ठीक है। किरा सुकिरा, चलो अभी सोनू भी आ गई है तो सब लोग मिलके खाना खा लेते हैं। काका, तो खाना बनाना बाकी है। तू नीचे तो कह रहा था कि खाना तैयार है। नहीं काका, वो इन्होंने डर के मारे बोल दिया। डर के मारे झूठ बोला? अरे शिक्षक होके तू झूठ बोलता है? चलो घर चलते हैं। अरे सॉरी सॉरी काका, काकू चुक लो अभी वो। काका काकी, आप बस 10 मिनट रुक जाइए ना, फटाफट खाना बन जाएगा। हो फक्त 10 मिनट। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, खाना तैयार है। सबके लिए गर्मा गर्म पूरी भाजी। अरे हाँ हाँ, लेकिन उमल भाभी, काका सिर्फ घर का ही खाना खाते हैं। ओ कम ऑन भिड़े भाई, ये घर का खाना है, मैंने ही बनाया है। ओ सही बात है। अरे वाह क्या बात है। लेकिन काका काकू तो गुस्सा होके जा रहे हैं। अरे भिड़े मास्टर, काका मजाक कर रहे हैं, मैंने उन्हें पूरी भाजी बता दी है। कहते सॉरी सॉरी, पूरी बात बता दी। अरे आत्मिया, तू बहुत नसीब वाला है जो इतने अच्छे पड़ोसी तुझे मिले हैं। ओ काका जी, हम सब भी बड़े नसीब वाले हैं कि हमको पिडू जैसा सेक्रेटरी मिला है। थैंक यू सोडी सर, थैंक यू। ओए मोस्ट वेलकम यारा। भगवान करे आप सबका प्यार ऐसा ही बना रहे। थैंक यू। ओ भाई भिड़े, मैंने इतनी मेहनत की, तेरी बालकनी में चढ़ा, अभी तो चाय पिला? नहीं अभी चाय भूल जाओ। नहीं मेरा मतलब है, खाना आ गया ना तो खाना खा कर ही जाओ ना। हाँ पोपट भाऊ जी। ये बात बराबर है, तो चलो अभी जल्दी खाना खाते हैं, ये तो पूरी भाजी ठंडी हो जाएगी। आत्माराम, कपड़े बदल ले, तोलिया बनियान पे खाना खाएगा क्या? भला तो सब भला है, बड़ा हादसा होते होते टला, लेकिन हादसे से पहले अगर मुसीबत पकड़ ले गला तो आ जाता है बड़ा जलजला। ऐसा ही हुआ साहब भिड़े की जिंदगी में, और गोकुल धाम में लगभग जलजला ही आ गया था। क्या बड़ी मुसीबत थी साहब, ये तो ईश्वर ने सब कुछ ठीक किया, लेकिन भगवान न करे कुछ हो जाता तो। मान लीजिए प्रेशर कुकर फट जाता है, सिलेंडर फट जाता तो सोच के भी डर लगता है साहब, लेकिन ईश्वर ने सब कुछ अच्छा किया और ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जिंदगी में जरा सी असावधानी बड़ी मुश्किलें ला सकती है, इस चीज से आपने ये चीज तो सीख ली होगी, और नहीं सीखी है तो सीख लीजिए। सावधान रहिए, ईश्वर न करे कल को ऐसा हो कि आप घर के बाहर हो, घर की चाबी घर के अंदर हो और दरवाजे में लॉक लग जाए। वैसे हम तो चाहते हैं कि किसी भी दरवाजे में लॉक लगे ही नहीं साहब, तालों की जरूरत ही ना पड़े, राम राज्य हो, कहीं चोरी ना हो, सब सुख चैन से रहे। ईश्वर से हमारी तो यही प्रार्थना है। खैर साहब,
ये सुख चैन आपकी और हमारी जिंदगी में बना रहे, इसी प्रार्थना के साथ 9 बज गए इसलिए चलता हूँ। कल 8:30 बजे आपसे जरूर मिलता हूँ और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।